Hi dudes, I am doing well and I hope you are also doing well. Today, आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख सोच संस्थान, मतलब मोस्टली जो इम्पोर्टेंट जो संस्थान हैं, ऐसे वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर है, तो इस टाइप के मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, अनुसंधानों को देखेंगे। प्रत्येक एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, चाहे 68,500 भर्ती हो या फिर आपका कोई रेलवे का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो या लेखपाल वाला हो, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रत्येक ना कभी पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, हम इन टॉपिकों को गहन से अध्ययन करेंगे, सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। सो गाइज, यदि आपने हमारा चैनल पर नए हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकेगी और जितनी भी हमारी लेटेस्ट अपडेट रहती हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होते रहेंगे। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। हम आपको 53 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्थान हैं भारत के, तो उसके बारे में बताएंगे। तो हम क्रम से देखेंगे और आप एक काम जरूर कर सकते हैं, यदि आपने हमारा व्हाट्सअप और प्लस टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हम PDF वगैरह प्रोवाइड करा सकें। सो गाइज, चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मोस्टली हम संस्थान और सोच संस्थान के बारे में बात करेंगे, कौन सा कहाँ पर है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये नई दिल्ली में इसका सिचुएटेड है, मतलब ये नए दिल्ली में इसका अनुसंधान बना हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इन सारे क्वेश्चनों को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कोई याद हो जाएंगे। अगर एक बार वीडियो को देखेंगे एक दो बार तो आपको पूरा अपने ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में जब आपको ऑप्शन सामने आएगा तो आप इस क्वेश्चन को ठीक आराम से कर सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक दो कंटिन्यूस वीडियो को देखते रहें, एक दो बार देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और जो आपको कठिन लग रहा है, जो आपने कभी नाम नहीं सुना या लग रहा है आपको इसको हम याद नहीं कर सकते, तो उसको अपनी नोटबुक पर पेन पेंसिल लेके बैठे और नोट डाउन कर लें, जिससे कि आपको याद बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये है देहरादून में। अब नेक्स्ट अनुसंधान की बात करें तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, ये क्या है, कोयम्बटूर में। अब मोस्टली क्या है कि जैसे आपको याद किस तरीके से करना है, जैसे कृषि हो गया, कृषि से आप याद कर लीजिए नई दिल्ली में, और वन हो गया तो देहरादून में, और गन्ना है तो कोयम्बटूर में। तो आगे पीछे के वर्ड तो आप अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो मेन वर्ड है बीच वाला, तो उसको आप जब ऐड करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। फोर वाला आपका है भारतीय लोह अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है, रांची में स्थित है। अब ये नेक्स्ट आता है, बात आती है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की, तो ये कहाँ पर है, राजमुंद्री में सिचुएटेड है, मतलब स्थापित है तंबाकू अनुसंधान। आप कैसे याद करेंगे, तंबाकू से राजमुंद्री याद कर लीजिए, तो इस तरीके से आप मेन वर्ड याद रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्जाम में अपना सॉल्यूशन आसानी से दे सकते हैं आप। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, तो ये क्या है, जलगोड़ा में है, जलगोड़ा में स्थित है। तो ईंधन से मतलब याद रखिए जलगोड़ा, जलगोड़ा ज़्यादा होगा, जलगोड़ा मान लीजिए एक पौधा है कोई सा, अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, और उसमें पौधे हैं तो ईंधन ज़्यादा होगा, तो ईंधन अनुसंधान कहाँ पर हो गया, जलगोड़ा में हो गया। अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है, तो ये कानपुर में स्थित है, मतलब चीनी का मतलब जो भी तकनीकी है तो वो कानपुर में है। जो एक और चीज़ क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कानपुर जो किस चीज़ के लिए फेमस रहता है, तो चमड़ा उद्योग मतलब उद्योगों के लिए भी कानपुर फेमस रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, तो ये किस में स्थित है, धनबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, तो ये किस में स्थित है, करनाल में। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थापित है, या किस राज्य में है, या किस जगह पर है, तो आप करनाल बता देंगे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आंसर बताने में, एक बार देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, चेन्नई में। भारतीय मौसम वैधशाला जो कहाँ पर स्थित है, वो पुणे में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है, मतलब औषधि की बात आ जाएगी तो लखनऊ बात याद करेंगे, जो मौसम की बात है तुम्हारा कहाँ पर, पुणे में बात करेंगे। और जैसे चमड़ा है, चमड़ा को हम कनेक्ट करेंगे चेन्नई से, तो मौसम हमारा पुणे में, पुणे से हो गया, औषधि हमारा लखनऊ से हो गया, और प्रौद्योगिकी
जीवाणु प्रौद्योगिकी कहाँ से हो गया तुम्हारा? चंडीगढ़ से हो गया। तो चंडीगढ़ कुछ कुछ अपने माइंड में लाते रहें, किसकी राजधानी कहाँ है और या किस किन किन चीज़ों की राजधानी चंडीगढ़, तो इस सारे क्वेश्चन छोटे छोटे घुमाते रहेंगे, तो आपको कोई एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आई श्योर। भारतीय मौसम विभाग, मौसम विज्ञान संस्थान, अब मौसम का तो ये नई दिल्ली में है, मौसम की जानकारी सारी लॉन्च होती है वो नई दिल्ली से होती हैं, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चनों को याद रखें, टच रखें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब जैसे नेक्स्ट वाला है जो आपका कि प्लाजा अनुसंधान, तो प्लाजा अनुसंधान कहाँ पर है? गांधीनगर में। गांधीनगर कहाँ पर? गुजरात में। तो राज्य पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा, हर जगह का नाम पूछेगा तो गांधीनगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये क्या है? बेंगलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। तो एक बार भूचुंबकीय की बात आए तो आप सीधे समझ जाएंगे मुंबई में, तो आप अपने अकॉर्डिंग टच करते याद रखें, थोड़ा सा लॉजिकल पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है? जमशेदपुर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पर है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद भी कहाँ का है? गुजरात का सिटी है, तो ये कपड़ों के लिए काफ़ी फेमस रहता है। अब जो नेक्स्ट अनुसंधान है तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? पणजी में है, पणजी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो वाराणसी में, आपका माननीय प्रधानमंत्री जी का शहर बन चुका है वाराणसी, तो काफ़ी ज़्यादा विकास हो रहा है इसमें। और देखो जो लोकोमोटिव वाला जो आपका वाराणसी में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ है? ट्रांबे में है, ट्रांबे मतलब महाराष्ट्र में। तो आप थोड़ा राज्य का भी नाम कनेक्ट कर रखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे जो आपका नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र, मतलब जो सड़क अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो क्या सड़क से मतलब हमें सड़क सड़क की मंजूरी कहाँ से मिलती है? नई दिल्ली से मिलती है, तो नई दिल्ली हो गया। अब भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है वो देहरादून में है, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान है वो नई दिल्ली में है, और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान वो है वो भी क्या है? नई दिल्ली में है। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चनों को देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, वो है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ क्या है? राजधानी है, तो अपनी राजधानी में क्या है? वनस्पति अनुसंधान केंद्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये कहाँ पर है? मुंबई में। अगर इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल की बात करें तो वो मुंबई में है। अगर भारतीय रासायनिक की जैविक संख्या अगर बात करते हैं तो वो कहाँ पर है? वो कोलकाता में स्थित है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, अब इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है वो कहाँ पर है? वो है नासिक रोड पुणे पे है, नासिक वाले रोड पर जो पुणे में ये जो संस्थान है तो वो स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च अनुसंधान प्रयोगशाला तो गुल यर्ग में है, ये वाली चीज़, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा क्लियर कर लेना तो ये चीज़ रहेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है? मैसूर में। आप थोड़ा सा अपना लॉजिकल लगा के याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, और कोशिश हम भी करते हैं कोई ना कोई लॉजिक आपको दें जिससे कि आपको अच्छे से आसानी से याद हो जाएं। और जितने भी जो प्रमुख पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आपके सामने। सो गाइज बी पेटेंस, आने वाले एग्जाम आपका ही होगा, आप क्वालिफाई करेंगे, सो डोंट वरी, अपना तैयारी का काम है, तैयारी करते रहें कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? नागपुर में। अब केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान तो क्या है? रुड़की में है। सड़क की बात करें नई दिल्ली में आ जाएगा, भवन निर्माण की बात करेंगे तो कहाँ पर आ जाएगा? रुड़की में आ जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब औद्योगिकी विश्व विज्ञान की बात, अनुसंधान की बात, केंद्र की बात करेंगे तो ये कहाँ पर हो जाएगी? लखनऊ में हो जाएगी। नेक्स्ट है केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पर स्थित है? आपका कोलकाता में है। अगर कांच और मृतिका की बात करेंगे तो कहाँ पर पहुंच जाएगी? कोलकाता में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये क्या है? हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थित है तुम्हारा, कहाँ है? कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, तो इस तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, तो ये कराईकुड़ी में है, तो कराईकुड़ी में हो गया तुम्हारा ये वाला। इस तरीके से आप थोड़े से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तो कोलकाता में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, पूछा भी आता है अक्सर एग्जामों में, तो इसलिए आप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को आप याद रखेंगे, कोलकाता में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, तो ये वाला क्या है, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र जो कहाँ है, दुर्गापुर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संख्या संस्थान, तो कहाँ पर है ये भी कोलकाता में है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो केंद्रीय नमक तथा समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान, तो भावनगर में है ये वाला। अब सेंटर सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स एंड डायनोगोस्ट, तो ये वाला कहाँ पर है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट्स, तो ये इसकी बात आ जाती है तो हैदराबाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो ये कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक बात समझ लीजिए कि जो सड़क सड़क वाला जो था अनुसंधान केंद्र, तो वो भी नई दिल्ली में था। जब सड़क बंद नहीं है तो राष्ट्रीय राजमार्ग भी क्या सड़क से संबंधित होता है, तो ये भी कहाँ पहुँच जाएगा, नई दिल्ली में। इस तरीके से आप अपना लॉजिक लगाने के बाद में आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आप लोगों को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो वो क्वेश्चन है आपका, अभी एक मिनट देखो, हाँ राजमार्ग तक तो हो गया था। नेक्स्ट राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पर है, गुड़गांव में। जो मस्तिष्क का अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, गुड़गांव में, हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली के पास में। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे किस तरीके से हैं, और मोस्टली इन चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में ले जाओ तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको याद करने में, कोई समस्या नहीं होगी। अब राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान है वो हैदराबाद में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जलाहली में है, समझ में बात आ रही है ना। तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान वो है कासरगोड में। कासरगोड जो एक नामक स्थान है वहाँ पर क्या है, नारियल वाला है कासरगोड। जो नेक्स्ट है वो है आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान, तो ये कहाँ है, कटक में है। जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो ये क्या है, शिमला में। अब मोस्टली आप लोग आलू डेली डेली खाते रहते हैं, तो इसका जो अनुसंधान संस्थान है वो भी पता होना चाहिए। तो समझ लीजिएगा इस तरीके से याद कर लीजिए, शिमला का आलू बहुत फेमस है, तो उस तरीके से आपको दिमाग में टच रहेगा कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो शिमला में है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को आप देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, और सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्थान आपके यहाँ बताए जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आने वाले टाइम में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज हम इस तरीके की वीडियो लेटेस्ट अपडेट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लाते रहेंगे, और जो भी भाई जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर जो हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो वो आपको मिलती रहे। और जितने भी भाई मैं कहूँगा जो सी टेट और यूपी टेट से रिलेटेड हैं, तो वो सारे के सारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे हम निकालते रहेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और हम सी टेट की भी वीडियो भी हमारे पेपर्स लेके आ रहे हैं, और जो भी है आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमारे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें बता सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमारी वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।